बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन भाइयों में मोहब्बत का नक्श। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है बहन भाइयों में मोहब्बत का नक्श। हमारे रूहानी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया बहन भाइयों में मोहब्बत का नक्श बेहद रूहानी खसूसियत का हामिल है। जिन बहन भाइयों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो, जिस वजह से घर का सुकून और माहौल ख़राब हो रहा हो, या फिर रुपए पैसे और जायदाद के मामलात में बहन भाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हों, तो इस नक्श को ज़रूर आजमाएं। अल्लाह की रहमत से इस नक्श के कामिल रूहानी असरात 21 दिन में ज़ाहिर होकर बहन भाइयों के दरमियान दरार पैदा करने वाली तमाम वजूहात को ख़त्म करके उनमें बेपनाह मोहब्बत और चाहत पैदा करते हैं। अगर बहन भाइयों में नाइतफाक़ी और लड़ाई झगड़ा पैदा करने के असबाब कोई हासिद या गुमनाम दुश्मन पैदा कर रहा है, तो भी इसी नक्श की बरकत से इंशाल्लाह उस दुश्मन का हर बार नाकाम होगा। नक्श हासिल करने का तरीका। इस नक्श का हदिया 1400 रुपये मुकर्रर किया गया है। किसी भी रूहानी अमल का हदिया अदा करना अमल की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप इस नक्श का हदिया रुपये पैसे की सूरत में अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते, तो इस नक्श का हदिया अहद की सूरत में भी अदा कर सकते हैं। अहद ये है, मैं अल्लाह के हजूर ये अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैं दो ऐसी नेकियाँ अपने जिस्म में दाखिल करूँगी जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, और कम अज़ कम दो बुराइयाँ अपने जिस्म से हमेशा के लिए निकाल दूँगी, और कम अज़ कम 5 अफराद को अल्लाह के ज़िक्र पर लगाऊँगी, और मैं इस अहद को 1 माह के अंदर पूरा करने की पाबंद होंगी। अगर मैं इस अहद की पासदारी ना कर सकी, तो इस नक्श का 1400 रुपये हदिया अदा करके इस अहद से आज़ाद हो जाऊंगी। याद रखें, जो साइलीन इस नक्श को फी सबीलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह के हजूर ये अहद करना लाजिम होगा। बिना अहद पूरा किए या बिना हदिया अदा किए नक्श का फैज़ जारी ना होगा। आप इस नक्श को 1400 रुपये हदिया अदा करके हासिल करें या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह, दोनों ही सूरतों में फैज़ एक जैसा होगा इंशाल्लाह। इस नक्श को हासिल करने के लिए साहिल का नाम, वालदा का नाम और मुकम्मल एड्रेस दिए गए फ़ोन नंबर्स पर लिखवाएं। हमारे रूहानी माहिरीन आपके फ़राहम करदा नाम और वालदा के नाम के मुताबिक इस नक्श पर मखसूस औकात में पढ़ाई करके इसे आपके नाम मंसूब करके इस नक्श का फैज़ जारी फरमाएंगे। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में नक्श आपके मतलूबा एड्रेस पर अरसाल कर दिया जाएगा। नक्श को अपने नाम मंसूब करवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर राबता कायम करें। नक्श का फैज़ जारी करने का तरीका। नाजरीन, हमारे रूहानी सेंटर में माहिरीन रूहानियात की ज़ेर निगरानी इस्मे आज़म और कुरानी आयात से ज़िंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए मखसूस औकात में नक्श तहरीर किए जाते हैं, और फिर इन नकूश या तावीज़ात का फैज़ जारी किया जाता है, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग हमारे बुज़ुर्गों से ख़ास कुलियात के तहत अपने अपने नाम का इस्मे आज़म फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करते हैं, और पूरा हफ्ता अपने मसाइल के हल के लिए वो ज़िक्र इस्मे आज़म तलावत करने के बाद हर जुमेरात को हमारे दुआ प्रोग्राम में अपना नाम, मसला और तलावत करदा ज़िक्र इस्मे आज़म हमारे उन बुज़ुर्गों को दुआ के लिए अरसाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ मुकद्दस मुकामात पर कुल इंसानियत के लिए दुआ फरमाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग उन तमाम अफराद का अरबों खरबों की तादाद में वसूल करदा ज़िक्र इस्मे आज़म अल्लाह के हजूर पेश करने के बाद उन तमाम अफराद के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक मुमकिन हो उनका नाम लेकर खसूसी दुआ फरमाते हैं, और फिर रूहानी सेंटर में मौजूद तमाम नकूश पर दम करते हैं जिससे उन नकूश का फौरी फैज़ जारी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली के नाम का इस्मे आज़म है या मोमिनू या अल्लाह, और इसके आदाद हैं 202। मोहम्मद अली ने पूरा हफ्ता रोज़ाना 202 बार इस्मे आज़म या मोमिनू या अल्लाह का विर्द किया, और फिर बरोज़ जुमेरात उस इस्मे आज़म की कुल तादाद बनी 1414। अब मोहम्मद अली ने दुआ प्रोग्राम में बुज़ुर्गों से दुआ करवाने के लिए
अपना नाम, मसला और जिक्र इस्मे आज़म की कुल तादाद 1414 अरसाल की। मोहम्मद अली की तरह पूरी दुनिया से लाखों अफराद ने भी इस तरह अपना अपना तलावत करदा जिक्र इस्मे आज़म दुआ के लिए अरसाल किया, तो उस अरबों खरबों की तादाद में जब मोहम्मद अली का मखसूस तादाद में अरसाल करदा जिक्र इस्मे आज़म जमा करके अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा, तो मोहम्मद अली को भी अरबों खरबों की तादाद में जिक्र इस्मे आज़म का फैज़ मिलेगा। और फिर जब मोहम्मद अली के नक्श पर दम किया जाएगा तो उस नक्श से भी इंतहा का फैज़ जारी होगा, जिसके वसीले से उसकी दुआ बहुत ही जल्द कबूलियत का दर्जा पालेगी इंशाल्लाह। इसी तरीक़ाकार के तहत कोई भी साइल अपने मसाइल के हल के लिए यही नक्श बतौर हदिया भी मंगवा सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी। अगर आप हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए विज़िट करें www.pray.net.pk। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े में आपके अपनों के दिल में आपकी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएँ जो ता ज़िंदगी कायम रहे। आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।